जय माता दी साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अतिथि GFMS पोर्टल पर फीडिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट फर्स्ट। किस वर्ग 1, 2 या 3 की GFMS पोर्टल पर फीडिंग करवाएं? आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, आज 22 सितंबर 2023 को GFMS पोर्टल पर एक नया आदेश आया है। आदेश कुछ नया नहीं है, जो आदेश पहले आया था उसी आदेश की पुनरावृत्ति की गई है। इस आदेश में कुछ प्रारूप में परिवर्तन है। इस आदेश के तहत पहले जो 19, 22 व 23 संडले थे, इसमें 18 आप चाहे तो बगल में देख सकते हैं। इसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम पर जाएं, नरेंद्र विश्वकर्मा लिखकर सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे तो उसमें देखेंगे, आप चाहे तो बगल में देख लीजिए, इसमें स्पष्ट तौर पर दिया है 18, 19 और 23, जो कि क्वालिफाई की गई पात्रता परीक्षा की समय है। अब प्रश्न उठता है कि हमें किस वर्ष की फीडिंग करवानी चाहिए। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे स्पष्ट शब्दों में कहें तो आप जिस वर्ग में पढ़ा रहे हैं उसी वर्ग की आप फीडिंग करवाएं। यदि आप वर्ग 2 में पढ़ा रहे हैं तो वर्ग 2 की फीडिंग करवाएं, वर्ग 3 में पढ़ा रहे हैं तो वर्ग 3 की फीडिंग करवाएं, वर्ग 1 में पढ़ा रहे हैं तो वर्ग 1 की फीडिंग करवाएं। किंतु कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं कि एक ही वर्ग में पढ़ाते हुए एक से अधिक विषय में क्वालिफाई है। कहने का तात्पर्य इंग्लिश से भी है, गणित से भी है। तो ऐसे अतिथि शिक्षकों से विनम्र अनुरोध है कि जिस विषय से आप क्वालिफाई हों उसी विषय की आप फीडिंग करवाएं। हो सकता है कि भविष्य में आपका पद लॉक कर दिया जाए, तो इसके लिए आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।